प्लीज आप हमारे हिंदी किड स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे चैनल पर डाली गई वीडियोस को आप सबसे पहले सुन पाएं। और अगर आपको ये कहानियाँ अच्छी लगे तो उन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेके आए हैं, जिसका शीर्षक है घमंडी हाथी और चीटी। गांव के नज़दीक एक घना जंगल था। उस घने जंगल में काफ़ी सारे जानवर रहा करते थे। उन्हीं में से एक हाथी भी था, काफ़ी विशाल और काफ़ी घमंडी। उस हाथी का नाम अप्पू हाथी था। उस हाथी को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह कहता था, मुझसे बलशाली कोई हाथी नहीं, और हर जानवर को तंग किया करता था। सभी जानवर उससे बहुत परेशान थे। हर दिन कभी ना कभी किसी जानवर को परेशान करता। हर जानवर उसकी आदत से परेशान था। कभी भालू को, कभी बंदर को, कभी शेर को। सभी जानवर बस ऐसे ही परेशान हुआ करते थे उसकी आदतों से। एक दिन अप्पू हाथी जंगल से जा रहा था, तभी पेड़ पर बैठा हुआ एक तोता दिखा। तोते को देखकर पता है बच्चों क्या बोला? अरे ओ तोते, क्या कर रहा है वहाँ बैठ के? देख नहीं रहा, अप्पू हाथी आ रहा है, चल प्रणाम कर मुझे। तोता बड़े अजीब स्वर में बोला, प्रणाम? क्यों करूं प्रणाम तुम्हें? कौन हो तुम? यहाँ के राजा हो क्या? वो घमंडी अप्पू हाथी बोला, तुझे नहीं पता मेरी ताकत का अंदाजा? बहुत ताकतवर हूँ मैं। तोता बोला, चल हट, मैं नहीं मानता किसी ताकत को, और ना ही मैं किसी अप्पू हाथी को जानता हूँ। मैं सिर्फ जंगल में रहता हूँ और यही मेरा घर है। अप्पू हाथी को काफी गुस्सा आया, बोला, अब देख बताता हूँ तुझे। और फिर जिस पेड़ पर वह तोता बैठा था, उसी पेड़ को काफी जोर जोर से हिलाने लगा वह हाथी, और हिला हिला कर उसे जड़ से उखाड़ दिया। तोता बेचारा उड़ गया उस पेड़ से और चला गया काफी दूर। देखा बच्चों, अप्पू हाथी कितना परेशान करता था सबको। सभी परेशान होते थे उसकी इन आदतों से। एक दिन वही हाथी गुजर रहा था जंगल की तरफ से। देखा एक पेड़ के नीचे काफी सारी चींटियां इधर उधर जा रही हैं। उन्हें देखकर बोला, ए चींटी, क्या कर रही हो तुम यहाँ पर? चींटी बोली, अप्पू हाथी देख नहीं रहे, हम खाना इकट्ठा कर रहे हैं। बरसातों का मौसम आने वाला है, इसीलिए हम भोजन एकत्रित कर रही हैं। अप्पू हाथी हंसने लगा, एकत्रित? और तुम चींटियां क्या इकट्ठा करोगी? चींटियां बोली, हमें अपना काम करने दो, यहाँ से चले जाओ। तभी अप्पू हाथी को शरारत सूझी और नदी से सूंड में पानी भर लाया और चींटियों के बिल पर पानी सारा दे मारा, और चींटियों का सारा भोजन खराब हो गया। उन चींटियों को बहुत गुस्सा आया, बोली, ओ अप्पू हाथी, हम बताती हैं अब तुझे। अप्पू ने बोला, देख मैं कैसे कुचलता हूँ तुम सबको, अभी कुचल दूंगा तुम सबको, तब पता चलेगा कितना ताकतवर है ये अप्पू हाथी। जैसे ही उस अप्पू हाथी ने उन चींटियों के ऊपर अपना पैर रखना चाहा, सभी चींटियां एक साथ उसके पैर पर चढ़ गई। कोई पैर पर, कोई कान में, कोई उसकी सूंड में घुस गई, और सारी की सारी चींटियां उसको काटने लगी। अप्पू हाथी चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो चींटियों, अब मैं आगे से तुम्हें तंग नहीं करूंगा। तुम्हें क्या, मैं किसी को तंग नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो, दया करो मुझ पर, भगवान के लिए मुझे माफ कर दो। चींटियों ने एक ना सुनी उसकी और लगातार उसको काटती रही, सूंड में, कान में, उसकी टांगों पर, उसकी पीठ पर। परेशान कर दिया अप्पू हाथी को। सभी जानवर आ गए, अप्पू हाथी को चिल्लाते हुए सुना तो हैरान होकर देख रहे थे, कौन अप्पू हाथी से भी ताकतवर आ गया जिसने अप्पू को सबक सिखाया। सभी खुश थे,
अब मजा आया अप्पू हाथी, कैसे हमें सताता था रोज, अब मजा चख। चींटियों ने एक ना सुनी, लगातार अप्पू हाथी को काटती चली गई। अप्पू हाथी ने बहुत गुहार की, बहुत माफिया मांगी, तब जाकर चींटियां उसकी सूंड से, उसके कान से, उसके शरीर से बाहर निकली। फिर बोली, आज पता चला तुझे कैसे दर्द होता है जब तू किसी को तंग करता है। फिर अप्पू हाथी ने जंगल के सभी जानवरों से माफी मांगी, बोला, मुझे माफ कर दो, आज की बात ये अप्पू हाथी किसी को तंग नहीं करेगा और सबकी मदद में सबका साथ देगा। देखा बच्चों, हमें इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? हमें अपनी ताकत पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अपनी ताकत के जोर पर दूसरों को परेशान करने की जगह उनकी मदद करनी चाहिए।